सीरियल जी जी माँ में प्यार के दो पंछी आखिरकार मिल गए और इनकी प्रेम कहानी बड़ी ही खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। जी हाँ, जब सीरियल में प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिशें, राजों से पर्दाफाश ना हो रहा हो तो यकीन मानिए प्रेम कहानी जो है बड़ी ही खूबसूरत सी लगती है, जैसे कि हमारी फाल्गुनी और सुयश की लग रही है। जी जी माँ के घर शुरू हो गई है तोता मैना की कहानी। प्यार के ये पंछी आज सच में पंछियों की ही तरह प्यारी प्यारी भाषा बोल रहे हैं और कुछ यूं ही अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। बहुत ही क्यूट था वो, क्योंकि जैसे ही मैं अपने रूम में एंटर करती हूँ, क्योंकि हम एक साथ नहीं रह रहे, बिकॉज वी आर डिवोर्स्ड, तो मेरे रूम में लाइट्स बंद है और एकदम से लाइट ऑन होती है और ये बर्डी बना के बोलते हैं कि तो जैसे बचपन में सबने ये गेम खेली शैडो है, से शैडो से, और सबसे ज्यादा वो खेली है चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़। तो हमने आज चिड़िया तोते उड़ाए हैं ऐसे करके बनाया था और ये पक्षी उड़ रहा है शैडो में और बोला था कि क्या फाल्गुनी को सुयश से प्यार है, तो फाल्गुनी क्या बोलती है वो आपको दिखाएगी। फाल्गुनी को तो प्यार है, पर क्या सुयश को इनकार है? इसका आंसर मैं देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो चिड़िया आप देख रही हैं ये बहुत अनीमिक है, इनको चिकन गुनिया हो गया है, बहुत कमजोर सी चिड़िया है ये बच्चा चिड़िया है। फाल्गुनी और सुयश प्यार के पंछी तो हैं ही, मगर उन पर पहरा लगा हुआ है उत्तरा देवी जैसे शिकारी का, जो इन प्यार के पंछियों को मिलने से रोक रही है। मगर सुयश ने अब तय कर लिया है कि वो फाल्गुनी से दोबारा शादी करके ही रहेगा। मॉम ने एक पंडित जी बुलाए थे, जो पंडित जी ने बोला है कि 6 महीने लगेंगे हमारी शादी को, जो डेट निकली है। तो मैंने बोला कि मैं ये सब में बिलीव नहीं करता हूँ और ना ही जन्म कुंडली पे जो जन्म पत्री होती है इसमें बिलीव करता हूँ। तो मैं मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ और मैं मना रहा हूँ फाल्गुनी को कि चलो हम शादी कर लेते, लेकिन ये मैडम जो है वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही। हाँ, मैं इनको कह रही हूँ इंतज़ार मिस्टर सुयश रावत, थोड़ा और इंतज़ार। तो मैंने बोला कि जैसा आप बोले होने वाली मिसेस फाल्गुनी रावत। जो भी हो, सुयश और फाल्गुनी का ये रोमांस देखने लायक था, चाहे वो पंछियों की परछाई बनकर बात करना हो या फिर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में परवानों की तरह एक दूसरे में खो जाना हो। जब तक अगली मुसीबत नहीं आएगी तब तक सुयश और फाल्गुनी को ऐसे प्यार भरे पल मिलते रहेंगे। मुंबई से निशा मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।